हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर एक बार फिर से। तो फाइनली गाइस यहां पर वर्ल्ड क्रिकेट 2021 का सेकंड गेम प्ले ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो है। मतलब कि 16 मिनट का ये वीडियो है, जहाँ पर कंपनी ने भाई अपने अलग अलग और फीचर दिखाए हैं किस तरीके का, और गेम प्ले के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नई नई देखने को मिलेगी वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो उनमें से गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि भाई आपने नहीं देखी वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पर रिव्यू करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूँ, जो कि दोस्तों ये है कि ये जो क्रिकेट गेम है दोस्तों ये ऑफिशियली 6 मई को रिलीज होने वाला है, आज से 2 दिन के बाद। अब ये दोस्तों खुद कंपनी ने खुद से अनाउंस किया है अपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर, जहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि गेम का अप्रूवल जो है वो मिल चुका है प्ले स्टोर की तरफ से और ये गेम 6 मई को रिलीज हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मतलब कि है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू यानी कि अगली वीडियोस के थ्रू बता दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इनके सेकंड गेम प्ले ट्रेलर के बारे में। तो गाइस इनके गेम की जो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है वो दोस्तों होती है इनके गेम के मेन मेन्यू से। अब दोस्तों जैसा कि इनका पहला वाला ट्रेलर था, वहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपने गेम के मेन मेन्यू यानी कि UI को नहीं दिखाया था, लेकिन इस वाले ट्रेलर के अंदर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने गेम के मेन मेन्यू को रिवील कर दिया है, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी ज़्यादा यार अमेजिंग लग रहा है। काफ़ी मतलब अलग चीज़ ट्राई की है यहाँ पर आप लोगों को, मतलब मेनू के अंदर ही यहाँ पर लाइव तरीके से आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें गेम के अंदर हैं, और इसके अंदर आप लोगों को एग्जीबिशन मैचेस, टॉन्ट्स, स्टेडियम, ये सारी कस्टमाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सामने ही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट सीजन के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा औसम होंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर गेम की जो लोडिंग है वो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है गेम की, मतलब जो लोडिंग स्क्रीन है वो आप सभी लोगों को कुछ इसी तरीके की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को स्टेडियम कस्टमाइजेशन का फीचर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी जो है ना वो यहाँ पर एक 6 लगने वाला है, और 6 लगने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर जो एनिमेशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नया जो है वो देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी लोगों को अभी कुछ देर के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो फुल ऑन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल माइकल जैक्सन वाला जो मोड है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है, और आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इमोट टाइप में आप लोगों को यहाँ पर एनिमेशन जो है वो आप बोल सकते हैं इमोट आप लोगों को करने को मिलेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एनिमेशन भी काफ़ी मतलब अच्छे दिखाए हैं, मतलब एकदम क्लोज तरीके से जा करके मतलब इन एनिमेशन को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि भाई देखने में भी काफ़ी इधर औसम लग रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर मैनुअल फील्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से दोस्तों आप अपने प्लेयर को कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि 3 प्लेयर बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी देखना कि कैच का जो भाई जो कैच होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा भाई अमेजिंग होने वाला है, देख सकते हो आप सभी लोग यहाँ पर। तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि आप लोगों को इस गेम के अंदर जो कैच जो होंगे वो भी आप लोगों को काफ़ी मतलब बेहतरीन बेहतरीन देखने को मिलेंगे, कि एक मतलब बंदा जो होगा वो बॉल को पकड़ेगा एंड दूसरा वाला फेंक देगा, एंड भाई उसी तरीके से यहाँ पर कैच जो होगा वो बैट्समैन हो जाएगा। तो इसी तरीके की दोस्तों आप सभी लोगों को इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिले हैं, एंड गेम के अंदर भी दोस्तों आप सभी लोगों को कुछ इसी तरीके के जो कैचेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप आउट हो जाते हो और अगर आपको लगता है कि मैं आउट नहीं हूँ, तो वहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग रिप्ले भी ले सकते हैं, जिसका जो दोस्तों यहाँ पर एनिमेशन है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर रिप्ले मतलब ले लिया गया है, और अब आप लोगों को यहाँ पर जो है वो स्निकोमीटर देखने को मिलेगा कि भाई बैट्समैन आउट है या फिर नॉट आउट है। तो आप लोग भी देखो कि बैट्समैन आउट है या फिर नॉट आउट है।
तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि बल्ले का भाई कोई भी किनारा नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर बैट्समैन जो है वो नॉट आउट यहाँ पर दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर कई सारे एनिमेशन इस ट्रेलर के अंदर नए नए देखने को मिले, नई नई चीज़ें देखने को मिली। एंड यहाँ पर जब आप मैच को जीत जाओगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है वो आपको गेम के अंदर देखने को मिलेगा कि भाई मैच जीतने के बाद आप भाई अदर जो आपकी दूसरी जो टीम होगी उससे आप मतलब हाथ मिलाने वाले हो, अपना सेलिब्रेशन करने वाले हो। लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंटरव्यू टाइप में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही दोस्तों था इस गेम प्ले के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। एंड आई होप आप लोगों को भी ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। बाकी दोस्तों अभी वेट करते हैं इस गेम को रिलीज़ होने का, क्योंकि ये गेम अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 6 मई को ये गेम रिलीज़ होने वाला है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा लाइक, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी ये गेम रिलीज़ हो तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल पाए और आप सबसे पहले इस गेम को खेल। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।